हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आकाश बायजूस का एनसीईआरटी मैप्स, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है। तो यहाँ पर है पहले जूलॉजी, देखते हैं कंटेंट्स है। 11th और 12th चैप्टर दे रखे हैं यहाँ पे। वो फिर जूलॉजी का जो पहला चैप्टर है ये दे रखा है, जिससे आप अच्छी तरह इसको याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें। ये एनिडा और हेमिकोर डेटा, ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में दे रखा है। ये सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल्स, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एनिमल मॉर्फोलॉजी। बायोमोलिक्यूल्स एकदम बेहतरीन तरीके से दे रखा है। ऐसे भी हम आपको दिखाते हैं। यह है बोटनी का एनसीईआरटी मैप्स, यहाँ चैप्टर फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, बहुत ही आसानी से समझा गया है। टैक्सोनॉमिक एड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बहुत ही आसान तरीके से। और बेहतरीन यहाँ पर फिक दे रखे हैं, प्लांट किंगडम। और इसी के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा असाइनमेंट। यहाँ पर बहुत सी क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। ऐसे ही यहाँ पर है केमिस्ट्री, दिखा देते हैं आपको चैप्टर्स। और फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही आसान तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझाया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ पर भी एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक दे रखा है। अब बारी आती है आपके फिजिक्स, सभी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, देख सकते हैं आप। साइंस, साइंटिफिक मेथड, हाइपोथेसिस एंड एग्जाम्स, फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, काफ़ी चैप्टर दे रखे हैं, सभी को अच्छी तरह समझाया जा गया है यहाँ पर। यहाँ भी जूलॉजी केमिस्ट्री की तरह एनसीईआरटी से ले हुए क्वेश्चन हैं सभी सभी चैप्टर के। और इन्हीं के आंसर यहाँ पर पीछे दिए हुए हैं।
तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।